हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है 1 दिसंबर, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट जितनी शादियाँ थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैं वापस अपने रूटीन में वापस ट्राई करूँगा कि वापस फटाफट रूटीन में आऊँ, क्योंकि पहले बाहर का कुछ भी चल रहा था, कुछ भी खा रहा था, वर्कआउट भी नहीं हो रहा था। तो अब से वापस मैं ट्राई करूँगा कि वापस दोबारा सेम अपने जो स्केड्यूल है उसमें वापस आ जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने ख़राब कर लिया और काफ़ी अनहेल्दी भी हो गया था। तो अभी जस्ट अभी आज सुबह 8 बजे, और 8 बजे से अभी जिम जा रहा हूँ। काफ़ी लेट हो गया हूँ, बट ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट डे से दोबारा वापस इससे जल्दी जितना हो सकता है जितना जल्दी जिम जाऊँ। और आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ। बाहर का मौसम देखो आप, इतनी धुंध, कुछ दिखाई नहीं देता। अभी जिम से आया हूँ, और जिम से आके अपना क्या अपन को डाइट लेना है ये सब अब आज से फॉलो करेंगे अपन, क्योंकि इतने टाइम से तो फॉलो नहीं कर रहा था। अब से वापस मैं चीनी वगैरह खाना बंद कर दूंगा। पहले भी कम ही खा रहा था, बट बीच में हल्का फुल्का मैं खाने लग गया था मीठा, बट अब से नहीं खाएंगे, अब से बिल्कुल बंद। और अपन बनाएंगे अपना प्रोटीन और मिल्क शेक, कुछ भी कह सकते हो उसको, जो चाहिए जो, तो वो बनाएंगे। देन उसके बाद अपन बॉईल करेंगे अपने स्वीट पोटैटो, जिनको शकरकंद भी बोलते हैं, तो वो बॉईल करेंगे। तो ये दो तो स्टार्टिंग का डाइट रहेगा ही रहेगा, उसके बाद अपन लिमिट से कुछ ना कुछ ऐसा गुड फैट वाली चीजें खाएंगे, उसके अलावा अपन कुछ नहीं करेंगे। तो अब से आज बिल्कुल प्रॉपरली डाइट लेंगे, धीरे धीरे फिट होना भी है, होंगे भी जरूर। गाइस, अपन डालेंगे 2 बनाना अपने प्रोटीन शेक के लिए। डाइट लिख लेना जिसको फिट होना है, और ये आजकल आयुषी भी पीने लग गई है। ठीक है, 2 बनाना, उसके बाद 1 स्कूप प्रोटीन, जिसके पास है ठीक है, जिसके पास नहीं है मैटर नहीं करता इतना, और मैं इतना यूज भी नहीं करता इसको, बहुत रेयरली 1 स्कूप एक दिन का, इससे ज्यादा यूज नहीं करता। फिर कॉफी, कैफीन के लिए थोड़ी सी, तो छोटा स्पून कॉफी टेस्ट के लिए, क्योंकि मैं इसमें अभी चीनी वगैरह कुछ नहीं डालूंगा, ये बिल्कुल फीका पीऊंगा मैं। देन चिल्ड दूध, इतनी ठंड में तो फ्रिज का दूध, ढक्कन की जगह, ढक्कन कहाँ है, ये रहा, तो ढक्कन लगाया। हाँ तो गाइस, ये मेरा तो बन चुका है, बाकी मैं एक बार अभी मैं एक टाइम बाद कुछ फूड ब्लॉगिंग भी करूंगा, ये थोड़ा बैकग्राउंड छोड़ देना, तो फूड ब्लॉगिंग भी करूंगा, तो उसके अंदर नट लाइक मतलब किसी का जाके दिखाऊंगा, मैं खुद बनाऊंगा। और बनाऊंगा क्या, सिर्फ केक बनाना आता है मेरे को, कोविड के टाइम सीखा था मैंने, तो वो जरूर दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत आता है खान मतलब ऐसे बना लेता हूँ कुछ अच्छा, तो केक बनाना सिखाऊंगा कि केक कैसे बनाता है, अच्छा बनाता हूँ, तो देखते हैं। ले खेल, तेरा बर्थडे है ना, ये खेल, मैं कह रहा हूँ ले, वो भी दे, ले फेक, वीडियो बना रहा हूँ भाभी यार, कहीं लाओ मारे लिए, अच्छा लाओ की इंतजार कर रहा है, इल्लू भैया से और डरता ही है, बस इल्लू का आता है तो सुबह हो जाएगा, इल्लू भैया का, इल्लू तो नहीं बोले हां, बताओ अभी देखो, बस हमारा यार चीनी का बर्थडे बनने वाला है, अभी रुकिए 5 मिनट में बनेगा, गेट बंद हो गया, चोरा
बर्थडे बॉय तैयार हो गया आ रहा है दोबारा राउंड, सेकंड राउंड होगा, फर्स्ट राउंड फेल हो चुका है, सेकंड राउंड फेल सबके बना इतने लोग, अरे एक लोग तो चले गए, इंतजार में देख सबके सब वेट कर रहे हैं, टेबल चल गई, केक केक कर केक तो टांड पर रखा हुआ था। अब चल रही हूँ चिन्नी, दिख नहीं रहा ऐसे बना इधर ले, एक सेकंड इधर देख, अरे मेरे को बता तू सर यार, चिन्नी प्लीज क्या हुआ, किसका बर्थडे किसका है जी, अपन ही काट लिए क्या केक, केक अच्छा नहीं लगा क्या, अपन दूसरा काट लिए, को बर्थडे है, चले के चला जा, किसका किसका बर्थडे है जी, को है ना, दुकान चले अपन, इसको दे दो, ये भी खाना खा के थोड़ा ठीक हो जाए, खाना खा के ठीक होगा, ला जा ला अपन खाना खाते अपन, ला ए आ जा, सो जा ही नहीं तो, खाना खा ले पहले, फिर उसके बाद अपन घूमने चलेंगे, दुकान पर कार चलाने चलेंगे, ठीक है। और प्रॉब्लम ये हो गई कि जैसे केक काटने लगे तो वो गुस्सा हो गया, जो खुद बर्थडे बॉय था ना वो खुद गुस्सा हो गया, तो अभी उसको मना रहे हैं, जब तक वो नहीं मानेगा जब तक केक नहीं कटेगा, देखते हैं यार, तब तक मैं तो जस्ट लेटा हुआ हूँ, मेरा आज पता नहीं सुबह से नहीं शाम के बाद से मेरा स्टमक पेन हो रहा है, तो दिक्कत हो रही है। हेलो पीयूष, क्या हो गया पीयूष, अपन को क्या हो गया बर्थडे पार्टी में, क्या हो गया बता, चल तू बता, कुछ नहीं, क्या हो गया, तो अपने दिक्कत क्या होगी, केक क्यों नहीं काटे अपन, बोल तो सरी क्या हो गया, जो मेरे को क्या पता, अरे तो तू भी तो वहीं था, बता एक बार कैमरे में बता कि क्या प्रॉब्लम होगी, केक क्यों नहीं काटे अपन, वो काट नहीं रहा था ना, कौन चिन्नी, तू चिन्नी गुस्सा क्यों हुआ, तेरा तो दोस्त है ना, पता नहीं, इसको भी नहीं पता, क्योंकि इसको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि गुस्सा क्यों हुआ, तो वेट करते हैं अब जब तक वो घूम फिर के आता, तब तक हम तो थक गए, घर में है ना 100 लोग हैं और हम बच्चे को ढूंढने जा रहे हैं, जो बर्थडे बॉय है ना उसको ढूंढने जा रहे हैं, क्योंकि वो है कहाँ वो ही नहीं पता, मैं मॉल में बच्चा ढूंढने आया, ले आ जा कहीं और, किसी और के बच्चे से केक कटवा देता है भाई, ये इतने बच्चे हैं किसी से कटवा दो, इससे बढ़िया एनिमल मूवी देखता, बट एनिमल एनिमल में इतना बड़ा एनिमल भी नहीं होता, आपको याद है ये भी काटेंगे केक, इलू मामा लाए सेम केक, थैंक यू बोलना किसको है, उसको पहले ये समझ में आया, अजय भैया केक लाए, अजय भैया टॉफी लाए, टॉफी मेल्ट हो गई इतनी देर से, चलो ये भाभी के चेहरे पर हंसी आ गई वापिस, भैया फाइनली केक कट रहा है, फाइनली केक कट रहा है, सेकंड राउंड आ गया, आ जाओ जल्दी से, ये जल्दी आ जाओ, दूसरा केक नहीं होगा, जल्दी आ जाओ, अरे राम अभी से मैं तो दूर भाग रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत बढ़िया, ये बस बस और काट ले, और काट उसको, काट चिन्नी चिन्नी काट दे उसको, काट दे, हाँ हाँ ये पापा तो खा लिया, 12 घंटा भर हुए ही खा रहे केक ही खा रहे पापा, रूस जाइयो, ताकि चिंता नहीं हो, ताकि चिंता, आ जाओ आ जाओ, ये बहुत शानदार है, बस वो खा लेगा अपने आप से, हाँ नहीं नहीं दिया जी मैं तो मना के खिलाऊंगा, ले आओ अपने हाथ से, देखो मेरे से खा गया, टेंशन मत करो, ले ये ले चलो चलो खाना लगाओ, खाना लगाओ, अच्छा बैठ इधर देख, इधर देखना, अरे गुस्सा हो जाएगा, एक बार डरा दे वापस से, रुचि को डरा दे, ऐसा
आपको यहाँ बच्चा नहीं चला चला बंदूक चला नई वाली चाची पर बंदूक चला हाँ चला दे नई वाली तेरे मुंह में स्पीकर लगा अरे कैसे गया तुझे इसको पता अपन ने तो सही रखा था सैनिटाइज वाला बच्चा था ये तो कोविड के टाइम हुआ कोविड के पहले हुआ था चाचा नाक में नहीं मार दे ये अरे भाई अब किसको हरा दे अच्छा ये कौन है चिन्नी ये कौन है उसने बंदी कर ली ना ये कौन है उसको बंदी कर ली थी पागल है भाई रिस्क भाई देख कैसा रहा पजामा फट गया उसका ब्लाउज उड़ा रहा है कहीं और हां सच्ची में सच्ची में बच्चे का ऐसे क्या कर रहा है अब रुक जाएगा तो कोई भी मार नहीं